आयात शुल्क में कमी के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले एक महीने में 8 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है और आने वाले महीनों में तिलहन के अधिक घरेलू उत्पादन और वैश्विक बाजारों में मंदी के रुख के कारण खाद्य तेलों के दाम 3 से 4 रुपए प्रति किलो और नीचे आ सकते हैं। उद्योग निकाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी ने ये जानकारी दी है। सी के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने एक बयान में कहा है कि पाम, सोया और सूरजमुखी जैसे सभी तेलों की बहुत ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण पिछले कुछ महीने भारतीय खाद्य तेल उपभोक्ताओं के लिए काफी परेशानी भरे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सी ने दिवाली से पहले अपने सदस्यों को कीमतों को यथासंभव कम करने की सलाह दी थी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क भी कम कर दिया है और उन्हें इस बात की पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि कई उपायों के कारण पिछले 30 दिनों में खाद्य तेल की कीमतों में लगभग 8 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है। सी ने कहा है कि उसके सदस्य उपभोक्ताओं को कम कीमतों का लाभ देने के लिए पूर्व में भी तुरंत कदम उठाते रहे हैं। सी के अध्यक्ष का कहना है कि उसके सदस्यों ने तेल की कम लागत का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सहमति जताई है। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि उनके सदस्यों द्वारा निकट भविष्य में कीमतों में लगभग 3 से 4 रुपए प्रति किलोग्राम की और कमी की जाएगी। इससे हमारे खाद्य तेल उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन के दौरान राहत मिलनी चाहिए। लगभग 120 लाख टन सोयाबीन की फसल और 80 लाख टन से अधिक मूंगफली की फसल के साथ सी के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने उम्मीद जताई है कि खाद्य तेल की कीमतें अब नियंत्रण में रहेंगी। उनका कहना है कि सरसों तेल खली की इतनी अधिक मांग है कि किसानों को अच्छा दाम मिलने से आपूर्ति की स्थिति बेहतर हुई है और उन्होंने अब तक के सबसे अधिक रकबे करीब 77.62 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई की है। यह आंकड़ा पहले के मुकाबले लगभग 30% ज्यादा है और आने वाले वर्ष में घरेलू सरसों तेल की उपलब्धता 8 से 10 लाख टन तक बढ़ सकती है। अतुल चतुर्वेदी ने आगे कहा है कि खाद्य तेल की कीमतों का वैश्विक रुख अपेक्षाकृत मंदी वाला है और हमें लगता है कि कीमतों में गिरावट जारी रहेगी। सी के अनुसार भारत की खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता लगभग 2.2 से 2.25 करोड़ टन की कुल खपत का लगभग 65% है। मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए भारत 1.3 करोड़ टन से लगभग 1.5 करोड़ टन खाद्य तेल का आयात करता है। पिछले दो विपणन वर्षों नवंबर से अक्टूबर के दौरान महामारी के कारण आयात घटकर लगभग 1.3 करोड़ टन रह गया। सी ने पिछले महीने कहा था कि वर्ष 2019-20 में आयात घटकर लगभग 71,600 करोड़ रुपए या 1.32 करोड़ टन तक नीचे चला गया था। वहीं वर्ष 2020-21 में भारत ने समान मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने के कारण आयात खर्च 63% बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर जा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।